जब देश आजाद हुआ तब ये नैरेटिव पैदा किया गया ना कि देश के मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। ये नैरेटिव जो था ना कि हिंदुस्तान के दो टुकड़े कर दिए गए, वो बात अलग है कि उस नैरेटिव के पीछे एक दूसरा नैरेटिव था कि कुछ लोगों को यहां छोड़ा जाए ताकि इस देश के फिर टुकड़े किए जाएं। ये अगला नैरेटिव था। ये जो नैरेटिव है यही तो था ना कि एक आदमी खुद को ही भारत रत्न दे देता है, और जो उससे भी ज्यादा मजबूत आदमी जिसने इस देश की संरचना की, जिसने इस देश का जो मानचित्र जो आप हम देख रहे हैं जिसको खड़ा किया, उस आदमी को बुला दिया गया। ये नैरेटिव तो था और क्या था। ये नैरेटिव तो है ना एक कि एक परिवार की गुलामी को आप लोकतंत्र कहते हैं। और हां, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज और बोलूंगा कि जो मैं अच्छी चीज बोल रहा हूं वो विचार मेरी पार्टी बीजेपी और संघ के भी हैं, लेकिन जो चीज मैं खराब बोलूंगा, क्योंकि मैं भय से नहीं मैं भावनाओं से बोलूंगा, तो उसमें हो सकता है कुछ ऐसी चीजें निकलें और कल को कोई बड़ा तूफान खड़ा हो जाए, तो उनकी जिम्मेदारी बाकी पार्टियों की तरह नहीं बोलूंगा कि वो उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी थी, मैं पहले करूंगा वो जिम्मेदारी मेरी होगी। ठीक है, ये जो नैरेटिव की लड़ाई है ये आप भी खत्म नहीं होगी, ये हमेशा चलती रहेगी। और यहां पे एक वर्ड यूज किया गया कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, हेलो सॉरी, यहां पे जो एक नैरेटिव है भारत प्रथम राष्ट्र प्रथम जो सुशांत भाई ने कहा, एक नैरेटिव वो है, उसका समर्थन करने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं है, आप उनको छोटा साबित कर रहे हैं। वो सारे के सारे धर्म रक्षक और भारत रक्षक हैं वो, और जो इस देश के खिलाफ, जो इस देश की संस्कृति के खिलाफ, यहां की परंपराओं के खिलाफ, इस झंडे के खिलाफ, इस देश की संप्रभुता के खिलाफ जो काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो राष्ट्र विध्वंसक हैं। उनको आप दूसरी साइड के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मत बोलिए, वो अपने नैरेटिव पर अड़े हुए हैं, उनकी नजर में उनका नैरेटिव सही है। उनको आपसे मैं आज अभी हमारे साथी से कह रहा था मैं कि अगर आज देश का सबसे बड़ा जो मॉडल है प्राइम मिनिस्टर भी अगर समुद्र मंथन कर दें, 10 बार कर दें, 10 बार उसमें विष निकल जाए और 10 बार उनके लिए पी लें, तो भी वो ये कहेंगे कि ये लोग फांसीवादी हैं, ये देश को तोड़ने में लगे हुए हैं, देश को हिंदू राष्ट्र बनाने में लगे हुए हैं। कुछ नहीं कर सकते आप। जो ब्रेन की जो सेटिंग है ना, जब गाड़ी चलाते हो, कुछ गाड़ियों में आजकल आता है ना स्पीड फिक्स कर देते हो, उनकी फिक्स हो रखी है भाई, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें, वो चलेगा ऐसे ही चलेगा। बात यह है कि क्या आप उनके से लड़ने लायक हैं। मैं और अंशुल बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया पे दो चीजें चलती हैं, एक फैंटेसी और एक फैक्ट्स। गलतियां हमसे भी होती हैं, और आप में से कुछ ऐसे साथी हैं जब कई बार हम कुछ पोस्ट करते हैं भावावेश में या जल्दीबाजी में, तो जो हमें पता नहीं होता है कि ये सही है, तो वो मैसेज करके फोन करके बोलते हैं कि मेरे साहब ये वाला सही नहीं, ये वाला है, तो हम उसको डिलीट करते हैं, माफी मांगते हैं। माफी मांगने में कोई छोटा नहीं होता, क्योंकि सोशल मीडिया पे अगर हमें नैरेटिव तय करना है तो फैंटेसी के आधार पर नहीं, फैक्ट्स के आधार पर करना है। अगर आपने अपनी बात फैक्ट्स के आधार पर रखी तो हम ये नैरेटिव जीतेंगे। लेकिन आज अभी क्या हो रहा है, अभी तो हम रिएक्शनरी मोड में, वो खेलते हैं कबड्डी, वो जब खेल के चले जाते हैं, हम खेलने पूछते हैं, तब हम क्या करते हैं, वापस पाला वाला मान बनाते हैं कि यार इधर रेत वेत ऐसे कर दी, तब तक वो दूसरे मैदान में दूसरा गेम खेल रहे होते हैं, वो वहां आग लगा देते हैं, वो वहां तक हम पूछते हैं, फिर वो तीसरी जगह आग लगा देते हैं, क्योंकि उनका जो यूनिटी है, उनका जो प्रतिबद्धता है अपने कोज के लिए, वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि उसको आप तोड़ नहीं पा रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कुछ हमें सोशल मीडिया का थोड़ा सा शायद नॉलेज नहीं है कि ये कैसे काम करता है, दूसरा शायद हम यूनाइटेड नहीं हैं इसलिए, और तीसरा हमारे पीछे कोई बहुत बड़ा फंडिंग या पावर नहीं है। उनको फंडिंग मिलती है इस चीज़ की कि वो चरस पिए, गांजा पिए, देश के खिलाफ लगें, वो देश के खिलाफ नारे लगाएं, इस चीज़ के पैसे मिलते हैं। और अगर आप इतनी तेज भारत माता की जय बोल रहे हो तो आपको सिर्फ सांस के अलावा, पानी के अलावा मैं कुछ नहीं दे सकता भाई, तो प्रॉब्लम यहाँ है। अभी मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगा कि जो देश की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसमें क्या क्या इश्यू हैं। कुछ ट्रेडिशनल इश्यू हैं जो पहले भी चल रहे थे और आज भी चल रहे हैं। उनमें एक इस्लामिक टेररिज्म है जो सबसे ऊपर जो आ रहा है, वो एक
इस्लामिक टेररिज्म है जिसने कश्मीर को जकड़ रखा है, उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट का इश्यू है, उसके बाद में जो लेफ्ट लिबरल जिनको आप माओवादी कहते हैं, और मैंने उनके लिए नया नाम इसलिए दिया क्योंकि जैसे किसी सुशांत भाई ने कहा कि वो माँ बहन बहन इनको सबको गालियां देते हैं, सोशल मीडिया पे आते हैं, तो आपको लगता है इतना आसान होता है, इतना आसान नहीं होता है। कई बार जब खुद पे लगता है, बहन को या वाइफ को या बच्चों को, तो आदमी थोड़ा सा सिस्टम हिलता है, क्योंकि हम सब भावनात्मक लोग हैं। ये लोग इस लिमिट तक जाते हैं कि आपको कैसे तोड़ा जाए, अंतिम लिमिट तक। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरी सिस्टर प्रोफेसर हैं, तो वो एक दिन रात को उन्होंने मुझे फ़ोन किया और फ़ोन करके रोने लगी। मेरे को लगा कि भाई घर पे सब ठीक है, माँ बाप बूढ़े हैं, कि कुछ हो तो नहीं गया। तो बोलती नहीं, वो सब ठीक है। मैंने क्या, वो बोलती तू ये है ना, ये ट्विटर फेसबुक छोड़ दे। मैंने कहा भाई तेरे को क्या हो गया ट्विटर फेसबुक, तू तो लेफ्ट में नहीं है, तू क्यों बोल रही है। बोलती नहीं भाई, मतलब मेरी दोस्तों ने मेरे को है ना कुछ स्क्रीनशॉट भेजे, ऐसी ऐसी गालियां मेरे बारे में ये वो दे रहे हैं। जुनून है, बहन है तो उसको लगता है, तो इनको समझाना पड़ता है कैसे। मैंने बोला कि मैं घर पे ही बैठा था, तो मैंने बोला कि यार मैं आता हूँ थोड़ी देर में, बैठते हैं बात करते हैं। फिर मैंने बोला कहाँ पे दिया हुआ है, तो वहाँ किसने जवाब दिया हुआ था, तो मैंने कहा इसको मैं रिप्लाई करता हूँ। तो उसने काफ़ी कुछ लिखा हुआ था, उसने कहा यू आर डॉग। तो मैंने उसके प्राइवेट मैसेज में जाके मैंने लिखा कि हेलो, तो उसने वापस आया कि डॉग यू आर हियर। मैंने कहा या आई एम लॉयल डॉग टू इंडिया, ठीक है। तो देन उसने मेरे को बोला कि मैंने मेरी मदर के लिए बोला, बहन के लिए बोला, पहले बोला कि जो तेरी वाइफ है मर जाए। मैंने कहा मैं सिंगल हूँ, ठीक है। तो बोला तेरी गर्लफ्रेंड है वो मर जाएगी। मैंने कहा वो मर गई 2000 में, अभी तो वो जन्नत में है, ठीक है। आप लास्ट तक उसको है ना बिल्कुल इज्जत के साथ बात करते रहिए उनसे, उनको लास्ट में ये औकात दिखा दीजिए कि जो आपकी भाषा है ना, जो इन्होंने बोला था सुशांत भाई ने कि मैं ले ही नहीं रहा हूं, ये तुम्हारे पे वापस आ रही है। एक स्टेज के बाद में वो खुद इतने शर्मिंदा होते हैं और दोबारा कभी भी वो प्लेटफॉर्म पे नहीं आते हैं। लेकिन आप में धैर्य होना चाहिए, आप चलेंगे, इतना कुछ बोलने वाले हैं आपको, ये मान के चलिए। घर के आसपास के लोग हैं, चाहने वाले हैं, उसको थोड़ा समझा दीजिए उनको कि ये ऐसा होने वाला है, और इसको आप दिल पे ना लें। अगर मेरा कोई सच्चा दोस्त भाई बहन अगर वो मेरे को गाली देता है तो आपको बुरा लगना चाहिए, लेकिन ये एक वर्चुअल वर्ल्ड है, इसमें पता नहीं कहाँ पे इकबाल सिंह बैठा है, कहाँ क्या कर रहा है, हैप्पी या नहीं, वो उर्फी जावेद है या और कुछ है, पता नहीं चल रहा ना। तो आप उसके बारे में टेंशन मत लीजिए। तो पहला है इस्लामिक टेररिज्म, दूसरा है नक्सलवाद, तीसरा है जो रीजनल जो स्टेट्स हैं जहाँ कुछ जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो उनको पॉलिटिकल पावर चाहिए, तो वो नया देश या नया स्टेट या ऑटोनोमी मांग रहे हैं, वहां पे एक संघर्ष चल रहा है। ये कुछ ट्रेडिशनल चीजें हैं, उसके अलावा ड्रग्स, उसके अलावा फेक करेंसी, ये ट्रेडिशनल है जिनसे डील करने के लिए सरकार के पास हथियार हैं, साधन हैं। लेकिन जो बिल्कुल नया जो सिस्टम चल रहा है यह है इंफॉर्मेशन वारफेयर, यह फिफ्थ जनरेशन वारफेयर है। इसमें टैंक नहीं चलता, इसमें आप राफेल उड़ा के किसी को मार नहीं सकते, आपको पता नहीं कौन आदमी कहां बैठा हुआ, हो सकता है हमारे बीच में बैठा हुआ वो एक ऐसी चीज कर रहा है जो हमें नहीं पता है। और मैं आपको, सोशल मीडिया का पावर इतना बड़ा है, मैं हमेशा कहता हूं कि इस हिंदुस्तान की सेना के अंदर जो 7 कमांड है, 8वीं कमांड खड़ी करनी पड़ेगी एक दिन, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या आर्मी के जो चीफ या एयरफोर्स चीफ, नेवी चीफ। मैं इतनी बार बोल चुका हूं कि एक नई कमांड खड़ी कीजिए आप, जिसका नाम होगा इंफॉर्मेशन वारफेयर कमांड, और वो पूरे देश के लिए चाहिए। अगर मैं आज आपको बोल रहा हूं, अगर हम 10 लाख लोग अगर 2 साल के लिए 2 लाख करोड़ रुपए खड़े करें, हम पाकिस्तान के 5 टुकड़े कर देंगे बिना लड़ाई किए हुए। अभी पाकिस्तान में क्या चल रहा है आपने देखा, इमरान खान को गोली लगी। अगर हमारे पास यहाँ पे सिस्टम है, हमारे पास टीम्स हैं, अगर हम नैरेटिव क्रिएट करते हैं कि ये इमरान की पार्टी, ये मोहजीर, ये आईएसआई, ये हाफिज सईद, सबके अलग अलग, अगर उनमें इतना कन्फ्लिक्ट रहे, समझ में नहीं आया कि कौन सही है कौन गलत है, देश में अफरा तफरी मच जाएगी। ये अफरा तफरी आपके देश में जब कोविड हुआ था तो विपक्ष ने मचाई थी आपके देश में। और इस इंफॉर्मेशन वारफेयर का एक सिस्टम है कि जो इस सिस्टम में स्थापित लोग हैं, जिनकी लोग बात सुनते हैं, उनका करेक्टर असैसिनेशन किया जाए। अगर मिस्टर सुशांत सिन्हा अगर बोलते हैं कि यह बात सही है, तो उनको समझ में आ रहा है कि यह बात सही बोल रहा है, तो इस आदमी को गिराया जाए, इस स्तंभ को गिराया जाए, ताकि इसको जो मानने वाले हैं उनके दिमाग में वैक्यूम क्रिएट हो जाए, डाउट क्रिएट हो जाए कि ये चीजें तो गलत हैं। मेरा सगा भाई वो मेरे से पूछता है कि यार ये तू तो भाई स्पेशल फोर्सेस में तेरी यूनिट ने सर्जिकल स्ट्राइक की सही में किएगा, ये मेरा भाई पूछता है मेरे से। मैंने कहा क्यों क्या हुआ,
बोला केजरीवाल राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो तो फेक है। कैन यू इमेजिन कौन है लोग? ये इसी देश के लोग हैं, ये आपके विपक्ष के नेता हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंदता होनी चाहिए, जम के लड़ो, चुनाव लड़ो, जो विरोध करना कीजिए आप, लेकिन आपने देश की जो सबसे क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन है आर्म फोर्सेज, आपने उसके ऊपर थूक दिया सबके सामने। आपने कह दिया कि सर्जिकल स्ट्राइक फेक है। सर्जिकल स्ट्राइक फेक कहने का मतलब यह नहीं होता कि नरेंद्र मोदी फेल है, इसका मतलब होता है भारत की सेनाएं फेल हैं, उनके ऊपर किसी का कोई भरोसा नहीं है। अगर मैं राहुल गांधी की जगह होता, मेरी लड़ाई नरेंद्र मोदी या केजरीवाल से हो सकती है, लेकिन जिस दिन सर्जिकल स्ट्राइक होती मैं सेम्पेन की बोतल लेके जाता और मैं 10 बुके लेके जाता, एक प्राइम मिनिस्टर को देता, आर्मी चीफ को, उनको बोलता कि ये बोतल है तो आप खोलो, मैं तो यहीं बैठ के पीने वाला हूं क्योंकि आपने इतना अच्छा किया। और मैं बाहर आके बोलता कि हमारी लड़ाई राजनीतिक लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन सेना ने जो किया है हमें गर्व है और हम फिर अंदर घुस के मारेंगे। मैं प्राइम मिनिस्टर का सपोर्ट कर रहा हूं। मैं अनकंडीशनल लेटर लिख के आता प्राइम मिनिस्टर को कि देश की सुरक्षा के लिए जो कुछ करना है कीजिए, हमारा 100% सपोर्ट रहेगा। अगर मेरी पार्टी में किसी ने विरोध किया मैं उसको उसी वक्त निकाल के फेंक दूंगा। लेकिन क्या होता है कि केरला के अंदर किसी एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए सड़क के ऊपर जब पूरे स्टेट का यूथ प्रेसिडेंट आके गाय का गला काटता है तो पहले यह कहा जाता है कि वो पार्टी का नहीं है, और जब प्रूव हो जाता है कि वो पार्टी का है तो यह उसका व्यक्तिगत मामला है। ऐसा नहीं होता। फिर आप उसको घर पे लेके किस लिए लेके आए थे? आप किस लिए उसके साथ और अभी भी पार्टी में है, क्यों नहीं निकाल देते आप? यह सब डिजाइन है। कुछ लोगों ने मेरे को कहा कि सैफ अली खान का जो बेटा है उसका नाम तैमूर है। सबको अपने बच्चों को नाम रखने का हक है, लेकिन तैमूर कोई रखता है तो दर्द होता है। तैमूर नाम रखा नहीं गया है, यह आपको बताया गया है, यह आपको बताया गया है कि वो कौन आदमी था तैमूर, जिसने आपके पूर्वजों के गले काटे और जब सवा मन जनेऊ इकट्ठी होती थी तब वो खाना खाता था। जब कोई औरंगजेब की कब्र पे जाके बोलता है कि वो अलामा है, वो हमारे इस्लाम के वो हैं, इस देश का अगर नागरिक बोलता है तो वो सिर्फ औरंगजेब के लिए नहीं बोल रहा है, वो हमारे गांवों को चीर के उसमें नमक मिर्ची ठूंस रहा है। और अगर हम चुप बैठे हैं तो ये दोष हमारा है, उनका नहीं है। औरंगजेब इस देश का नायक नहीं हो सकता, डॉक्टर कलाम इस देश का नायक है, अब्दुल हमीद इस देश का नायक है। नैरेटिव देखिए आप, नैरेटिव देखिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी भी मुस्लिम नेता ने आज तक डॉक्टर कलाम की जब वो डेथ हुई उनकी बरसी पे नहीं गए। जो हमीद साहब हैं जिनको परमवीर चक्र मिला उनके लिए एक ट्वीट नहीं करते। मैं असदुद्दीन ओवैसी का पूरा सब कुछ निकाल लीजिए आप, एक ट्वीट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कलाम के हाथ में गीता रहती थी और तकलीफ वहां पे है, तो नैरेटिव चेंज हो रहा है। कलाम हिंदुस्तान को, भारतीय संस्कृति को, पुरातन सभ्यता, संस्कृति, सनातन धर्म को बिलोंग करता है, और ओवैसी उन लुटेरे आक्रमणकारियों को बिलोंग करता है। उनका नैरेटिव वो है कि इसको गजवाए हिंद कायम करेंगे हम, इस देश के ऊपर वो राज करेगा, इस्लाम का राज होगा। हम कह रहे हैं कि सब रहिए, सबका हक है, और वो कह रहे हैं कि हम छीन के लेंगे आजादी। ये एक नैरेटिव है, इस नैरेटिव को आपको तोड़ना पड़ेगा। आपको पता है कि नैरेटिव क्या किया जाता है, क्या होता है इसमें? जब कोविड हुआ तो बरका दत्त ने जितने भी शमशान घाट लैपटॉप लेके पहुंच गई वहां पे, और लोगों के मां बाप, भाई बहन जिनकी चिताएं जल रही थी उनका लाइव शो वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स पे चल रहा है। पैमाने सबके लिए एक होने चाहिए, सबके पिता, सबके मां, चाहे हमारा दुश्मन भी क्यों हो, नहीं हो, उनके लिए उतने प्रिय हैं और हमारे लिए दिल में उनके लिए रेस्पेक्ट है। जब बरका दत्त जी के पिताजी की डेथ हुई कोविड में, मैंने कहा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन हमें उनका लाइव अंतिम संस्कार दिखा सकती हैं क्या आप? हमारे किस, क्या सबके माँ बाप तो एक ही है ना? मुर्दे तो सब बराबर है ना? ये दो पैमाने कैसे तय कर दिया आपने? आप एक आतंकवादी को कहती हैं कि भूला भटका एक पूर हेडमास्टर सन, ऐसे नहीं कहा जाता है। जब राजदीप सरदेसाई पार्लियामेंट के अंदर जाके कहता है कि टेरर अटैक हो गया है, सबसे जल्दी अंदर घुसिए, और हंसते शाम को जल्दी पार्टी करेंगे, ड्रिंक करेंगे, दैट शोज कि तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि हमें यह खबर दिखानी है। तुम्हारे दिल में इतना भी नहीं हुआ कि देश के पार्लियामेंट पर अटैक हो गया,
और तुम करो पार्टी करेंगे। इस देश की कॉमर्शियल कैपिटल में अटैक किया गया, नेगेटिव देखिए आप, बॉम्बे में अटैक हुआ, टीवी के ऊपर लगातार रिपोर्ट हो रही है, उस रूम में ये हो रहा है, वहां पे ये हो रहा है, और पाकिस्तान में बैठे लोगों को मालूम चल रहा है क्या हो रहा है। कारगिल में भी यही इन्होंने किया था, और उसके बावजूद लास्ट में ऐसा नैरेटिव बनाया गया कि ये अटैक से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए मुंबई वापस सड़कों पे आ गई है। ये नैरेटिव क्यों नहीं बनाया कि हिंदुस्तान का हर आदमी आग में झुलस रहा है, बदला मांगता है, आज वहां हुआ है कल यहां होगा, परसों वहां होगा। लेकिन नहीं, मुंबई वापस सड़कों पे आ गई, इतनी हिम्मत दिखाई इन लोगों ने, सब लोगों ने, कि उन्होंने भूल गए आतंकवाद को, वापस सड़कों पे चल रही है जिंदगी। ये नैरेटिव आपको वहां से फीड किया जाता है। पूरा लड़ाई सिर्फ नैरेटिव का है। जब सर्जिकल स्ट्राइक में जो सोल्जर गए, उनमें से मेरे एक जूनियर थे जिनको पैर में गोली लगी थी, सिर्फ एक आदमी को गोली लगी पूरे ऑपरेशन में। जब मैंने पहली बार बात की तो उसने मेरे को, नाम नहीं लेना चाहिए, उसने मेरे को बोला कि सर अभी तो मेरा मन ऐसा कर रहा है कि मेरे सामने ये दो आदमी तीन आदमी आ जाएं तो मैं, जो बची हुई है, मैं उनके अंदर निकाल दूं। क्यों? क्योंकि दिल में दर्द होता है। वो बोल रहा है कि साला मैं किसके लिए मर रहा हूं यार, मैं अक्रॉस द बॉर्डर, मेरे माँ बाप, बीवी, बच्चे, भाई बहन, यार दोस्त सब छूट गए, और वन वे टिकट है। सर्जिकल स्ट्राइक ऐसा नहीं है कि यहां बाथरूम जाके आप आ रहे हो वापिस, ऐसा नहीं है। आप एक उस देश के पास, उसकी सीमा में घुस रहे हो जिसके पास परमाणु बम और बंदरों के हाथ में उस्तरा है, कभी भी गला खुद का काट लें, किसी का कान काट दें, वहां पे जाके आ रहे हो। जब आपने उनको इतना डिग्रेड कर दिया, उनको दिखा दिया आपने कि आपने फेक, आप कैपेबिलिटी नहीं, आपने जनसंख्या वर्दी, ये एक जो इंटरनल सिक्योरिटी का इतना बड़ा मुद्दा है। मोरबी के अंदर पुल गिरा, एनडीटीवी न्यूज दिखा रहा है, बहुत भीड़ थी, पुल गिर गया। हाँ भाई, बहुत पुल थी, पुल गिर गया, ऐसे गलत हुआ, नहीं गिरना चाहिए, बहुत लोग इसमें जिम्मेदार हैं। लेकिन तुम ये क्यों नहीं दिखाते कि बहुत जनसंख्या बढ़ने से देश टूटने वाला है? क्यों नहीं दिखाते? क्यों नहीं दिखा रहे दोस्तों? जब अयोध्या में राम मंदिर की जो पूजा हो रही थी, मूर्ति स्थापना रखी जा रही थी गर्भगृह में, मैं घर पे बैठा और मेरे पिताजी खेत में, बूढ़े आदमी थे, तो वो भी आ गए कि आज देखते हैं कि भाई भगवान राम का, चलो फाइनली हमारे जीते जी, कुछ तो बन रहा है, सब बैठे। तो मैं बीच बीच में मैं चैनल चेंज कर रहा, तो वो इतने दुखी हुए, क्या देख रहा तू एनडीटीवी में, बार बार क्या देख रहा? तो मैंने एनडीटीवी लगाया, तो एनडीटीवी में आने वाली खरीफ की फसल में ये होने वाला है, किसानों को ये होने वाला है, पूरे देश में गर्भगृह दिखाया जा रहा है और वहां पे रबी की फसल दिखाई जा रही है। थोड़ी देर बाद में मैंने वापस ऐसे चेंज कर रहा था, तो बोलता है कि 3 महीने बाद में जब बारिशें खत्म हो जाएंगी फिर डेंगू होगा, क्या क्या हो रहा है, फिर डेंगू की बात चल रही है। 1.5 घंटे बाद में देखा तो यूरोप के किसी म्यूजियम, जो जू होता है, उसमें भालू ने ये किया, चिंपांजी ने ये किया। आई सेड यार क्या सीन है, मतलब ये एक अलग नैरेटिव है। वो दिखाना ही नहीं चाहते उन चीजों को कि आप जाग जाएं। जिस दिन जाग गए ना, आप कान पकड़ के उनको नीचे बैठा देंगे, वो आपको जागने नहीं देना चाहते। कई बार अगर आप को, मैं आज बता रहा हूं, घर में है ना, वाइफ को कभी बोलना, हस्बैंड को बोलना कि आप टीवी चला दें बीच में, एनडीटीवी, आप कहीं बाथरूम से निकल रहे हैं, किसी दोस्तों से बात करें, तो आपको अचानक एहसास होगा कि ये इंडिया की न्यूज चल रही है, पाकिस्तान की, कहां की, आजाद कश्मीर कहां का चल रहा है, ये किसके बारे में हो रहा है, हो क्या रहा है। एकदम नैरेटिव सुबह से लेकर शाम तक, ऐसा नहीं हो सकता। आप मीडिया में हैं, आप दिखाइए सरकार की कमियां, दिखाइए और सरकार को रास्ता भी दिखाइए। और पत्रकार ही दिखाते हैं आईना, और कोई नहीं दिखा सकता। साहित्यकार, पत्रकार, कवि, ये लोग ही सरकार और समाज को आईना दिखाते हैं। लेकिन अगर वो आईना ही वो ऐसा है कि जिसमें उनका ही उनका नैरेटिव दिखे, तो इसका मतलब कुछ तकलीफ है। देश की जुडिशरी, यहां काफी वकील भी बैठे होंगे, पढ़े लिखे हैं, आई एम यूजिंग वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, इनकॉम्पिटेंट एंड इनकंसिस्टेंट जुडिशरी है। नैरेटिव क्या है मैं आपको भी बताता हूं। अभी जस्ट कुछ दिन पहले जजमेंट आया कि एक जज साहब बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब बोल रहे हैं कि हिजाब स्कूल में पहनने का लड़की का खुद का हक है। वो वकील बोले जा रहा है कि वो इंस्टीट्यूशन है, सब समान है वहां पे। बोला नहीं, उसका खुद का निजी हक है, वो कुछ भी पहने। लेकिन अगर मैं उस जज को ये पूछूं कि मैं हिंदू हूं और मैं धोती कुर्ता और एक गमछा और यहां पे तिलक लगा के या 3 माला लगा के एक माला डाल के ऊपर मैं पूछूं और बोलूं राम राम साहब, बताओ कहां से शुरू करें जज साहब, तो आप बोलेंगे कि ये क्या ड्रामा है।
क्या आप आने नहीं है मुझे? आप कहते हैं काला कोट पहन के ये पहन के आइए, मी लोड कहिए, ये कीजिए। अगर ऐसा ही है तो कल हमारे बच्चे लंगोट पहन के स्कूल में क्यों नहीं जा सकते? क्यों नहीं जा सकते भाई? हमारी तो सभ्यता का हिस्सा रहा हुआ है ये। हम लड़कियों के लिए नहीं, लड़के तो जा ही सकते हैं ना मतलब। और कुछ हमारे जो नागा जो साधु वो हैं, वो क्यों नहीं जा सकते? उनको भी पढ़ने का हक है। तो ये कानून सबके लिए समान होना चाहिए। ऐसा नैरेटिव सेट किया गया है, मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा नैरेटिव सेट किया गया है कि जब राम मंदिर बन रहा था, आपको पता है कि कांग्रेस की ओर से एक, ये कैसे आपको दिग्भ्रमित किया गया है, ये देश को तोड़ने के सारे तरीके हैं। देश कैसे टूटेगा? जब आप अपनी परंपराओं से दूर हो जाएंगे, जब आप अपने सनातन से दूर हो जाएंगे, जब आप अपने माँ बाप अपने परिवार से दूर हो जाएंगे, जब आप अपने रिश्तेदारों से दूर हो जाएंगे और इनका झंडा इनका डंडा उठा लेंगे, उस दिन देश टूट जाएगा। यह हकीकत है। जब राम मंदिर बन रहा था, जब अपील की गई, तो सोनिया गांधी ने भेजा कि यह काल्पनिक है, और सुप्रीम कोर्ट ने वो अर्जी कपिल सिब्बल और मनु सिंघवी की अपील जो थी उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। एक्सेप्ट करने का मतलब है कि इस केस में दम है। एक्सेप्ट करने का मतलब यह है कि दम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बहुत सारी अर्जियां बाहर फेंक देता है कि क्या बकवास है, फेंको इसको। इसका मतलब है कि वो मानते हैं, उनमें से उनको थोड़ा डाउट है कि राम काल्पनिक है। चलो मैं बोल रहा हूं, चलो मान लिया काल्पनिक है। तो भाई साहब 1947 से लेके 2020 तक, 17, 18, 19, 20 तक आप हर रामनवमी की छुट्टी क्यों मना रहे थे? आप क्यों मना रहे थे? अरे काल्पनिक है ना। जब काल्पनिक मान रहे हो तो फिर राम ही कोई काल्पनिक मान रहे हो, तो फिर हर हाई कोर्ट, हर सुप्रीम कोर्ट, हर कोर्ट की छुट्टी किस लिए कर रखी है? छुट्टी के टाइम आपका नैरेटिव ठीक है बिल्कुल कि आज छुट्टी है, घर पे बैठे हैं आप। रात को 2 बजे 3 बजे सुप्रीम कोर्ट खोल देते हो और फिर एक नैरेटिव बनाया जाता है कि इंडिया जुडिशरी सो फ्लेक्सिबल कि हम टेररिस्ट को भी अंतिम वक्त तक न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं। टेररिस्ट को 1 दिन 2 दिन 1 साल 2 साल 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल, यार इतने सालों तक तुम उसको, और फिर उसकी बॉडी दी जाती है और उसको हीरो बनाया जाता है, हीरो बनाया जाता है। मैं कैसे मान लूं कि ये लोग जो उसके अंतिम संस्कार में जाते हैं और हिंदुस्तान के खिलाफ नारे लगाते हैं कि वो इस देश के नागरिक कहलाने लायक हैं, वो आतंकवादी नहीं है, वो हैं आतंकवादी। ये लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, लेफ्ट के लोग, जिनमें सुशांत भाई बहुत ही मीडिया में थोड़े समझ के बोलते हैं क्योंकि इनको खिलाफ हो सकता है कई बार लोग पीछे पड़ते हैं, मैं तो बिल्कुल सीधा नाम लेके बोलता हूं, प्रशांत भूषण। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, प्रशांत भूषण ने बुरहान वानी पे बरका दत्त ने एक नया नैरेटिव तैयार किया। प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अपील की कि बुरहान वानी को, एक शरीफ आदमी को भारतीय सेना ने मारा, पूरा देश कह रहा है कि बुरहान वानी आतंकवादी है, एक कह रही है कि गरीब हेडमास्टर का बच्चा है, मतलब नैरेटिव देखिए अलग चल रहा है। प्रशांत भूषण कहता है कि एक शरीफ आदमी को भारतीय सेना ने मार दिया घर में जाके। पाकिस्तान के अंदर प्रशांत भूषण की फोटो लगती है कि इस देश का वन ऑफ द टॉप लॉयर, सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा वकील, यह कह रहा है इसका मतलब सही में जानबूझ के मारा गया। और हमारी जो सोशल मीडिया है यह काउंटर ही नहीं कर पाई कि जो एक रेपिस्ट आदमी जो किसी के भी घर में घुस के किसी की मां बहन बेटी के साथ रेप करता था, जिसने 20 से 30 सिविलियन लोगों को मारा, सैनिकों को मारा। मैंने जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील की उसके खिलाफ, तो जज ने मेरे से पूछा कि मेरे साहब आपको क्या तकलीफ हो गई, कहां बुरहान वानी, कहां प्रशांत भूषण, कहां आप? मैंने कहा है तकलीफ है, हमारे भाई लोग लड़ रहे हैं उधर, हमें तकलीफ है। मैं प्रशांत भूषण से दो चीज पूछ रहा हूं, ये कह रहे हैं कि बुरहान वानी को जानबूझ के मारा गया, उसके पास न वो आतंकवादी था न उसके पास हथियार था। ही सेड कि यस। मैंने कहा सर ये अखबार में इनका स्टेटमेंट है, मेरा सिर्फ इनसे एक सवाल है, इनको कैसे पता कि बुरहान वानी के पास हथियार नहीं था? क्या बुरहान वानी के साथ फोन में टच था? कौन लोग थे जो प्रशांत भूषण को 1-to-1 रात के टाइम 3 बजे खबर दे रहे थे कि बुरहान वानी के पास हथियार नहीं, सेना घुस गई या मार दिया उसको? इसका मतलब है कि बुरहान वानी के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो प्रशांत भूषण के साथ जुड़े हुए हैं। बुरहान वानी के साथ कौन जुड़े हुए हैं? बुरहान वानी के साथ हर आदमी वो जुड़ा हुआ है जो इस देश को तोड़ना चाहता है, इस देश के सनातन धर्म को खत्म करना चाहता है। तो वही लोग प्रशांत भूषण के साथ जुड़े हुए हैं, वही लोग। और आप बोलते हो
जो नया एक नैरेटिव देश में तैयार हो रहा है, सोशल मीडिया कैसे काम करती है अंशुल बताएंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मैं यूएस गया, आप कैलिफोर्निया में जाइए, टोरंटो में जाइए, अरविंद केजरीवाल के लिए 50-50 लोगों की टोली बैठती है, खालिस्तानी लोगों की, और एक एक आदमी 100-100 सोशल मीडिया के अकाउंट हैंडल करता है ट्विटर के, अलग अलग नाम से, इकबाल, राम सिंह, श्याम सिंह, सनी, ये वो, नम्रता, सब फेक अकाउंट, सब आपस में मिले हुए हैं। एक ट्वीट होता है उसको वो शेयर करना शुरू करते हैं, एक ट्वीट होता है उसको रीट्वीट, ये मतलब एक आदमी जब आपने ट्वीट किया, मैंने 50 अकाउंट से उसको रीट्वीट किया, फिर आपस में किया, सोशल मीडिया का जो एल्गोरिथम है ट्विटर का, उन्होंने केजरीवाल की जो ये अर्बन नक्सल्स की टीम है ना, उसके ट्विटर के एल्गोरिथम को उन्होंने मात दे दी, उन्होंने खत्म कर दिया उसको, जब चाहते हैं जैसे चाहते हैं वैसे लोग करते हैं। वो आदमी जो कहता था कि राम मंदिर की जगह कोई हॉस्पिटल बना दो, वो ये कर दो, वो आदमी आज कह रहा है कि मैं राम मंदिर के दर्शन कराऊंगा, और आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये एक पूरा बना बनाया चिट्ठा है जो हर आदमी अलग अलग तरीके से अटैक कर रहा है। और जो इंटरनल सिक्योरिटी है, देश को बाहर से नहीं तोड़ सकते आप, सेनाएं इतनी मजबूत हैं कि वो उसका मुकाबला कर लेंगी, लेकिन देश के अंदर जो हो रहा है, पॉपुलेशन कंट्रोल, डेमोग्राफी जो चेंज हो रही है केरला में, बंगाल में, कश्मीर में पहले हो गया था, ये जो असंतुलन हो रहा है, और जो फोर्स रिलीजियस कन्वर्जन हो रहा है, अगर आपने नहीं रोका तो थोड़े दिनों में, थैंक यू वेरी मच, बता रहा हूं, सही बता रहा हूं, बुरा मत मानना, ऐसा होगा, घरों से निकाला जाएगा, किया जाएगा, जिस दिन 35% पॉपुलेशन होगी उस दिन ये किया जाएगा, ऐसा होने वाला है। आप बिल्ली है ना, कबूतर सोचता है कि बिल्ली नहीं खाएगी आंख बंद करने से, ऐसा नहीं होता, बिल्ली का धर्म है कबूतर को खाना, वो खाएगी, उनका मकसद है गजवाए हिंद, वो अपने काम पे लगे हुए हैं। क्या आप अपने काम पे लगे हुए हैं? आप लगे हुए हैं क्या? सोशल मीडिया का एक कॉन्क्लेव, मैं चाहूंगा कि आप लोग, हर आदमी सोशल मीडिया पर रहे, फैक्ट्स के आधार पे आप अपनी बात रखिए, अपने डिजिटल प्रिंट्स रखिए, आपकी बातों में बहुत दम होता है, हम लोग भी आप लोगों को फॉलो करते हैं, हम देखते हैं कि आप लोग क्या लिख रहे हो, बड़े से बड़े आदमी, मैं बता रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ मैं था, उनका जो स्पीच जब चल रहा था, तो किसी ने पूछा, सर हर जगह नया स्पीच देते हो, हर जगह नया स्पीच, उन्होंने बोला कि देश के अंदर 50 करोड़ लोग सोशल मीडिया पे हैं, मैं देखता हूं लोगों के क्या विचार हैं, लोगों के क्या मुद्दे हैं, देश की आवाज, फिर मैं बोलता हूं, वो आदमी रिसर्च कर रहा है, आप भी पढ़िए, आप भी रिसर्च, एक सब्जेक्ट ले लिया आप, अगर आपने धर्म का लिया, आपने इंदौर की कल्चर का लिया, आपने इंदौर के मंदिरों का लिया, आपने इंदौर के एजुकेशन का लिया, आपने इंदौर के साफ सफाई के लिए, एक सब्जेक्ट पकड़ लीजिए और इतना अंशुल की तरह उसमें की बीटिंग कि लोगों को पता चलना जाना चाहिए कि सच ये है, और लोग आपकी बात मानने लगे और उनका नैरेटिव टूटने लगे। मैं एक दो चीज़ और बोलूँगा, मेरे को बोला है इन्होंने कि शायद समय कम है और भावनाओं में आ जाते हैं तो फिर कुछ ज़्यादा बोलने लग जाते हैं हम लोग, कुछ चीज़ें और हैं, मैंने जुडिशरी के बारे में बोला, दूसरा है बॉलीवुड के बारे में, मैं ये बोलूंगा मैम, उसके बाद में आपके पास आता हूं। जो बॉलीवुड है, और ये बोलना जरूरी इसलिए है, ये बोलना जरूरी इसलिए है क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं, छोटा बच्चा जो पर्दे पे देखता है, उसके मेंटल इंप्रेशन, मैं एज ए डॉक्टर बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा उसका उन चीजों से सीखता है, जो सामने विजुअल इफेक्ट्स होते हैं उनसे बहुत ज्यादा सीखता है हर छोटा बच्चा। इस देश का जो बॉलीवुड है उसने एक नैरेटिव बनाया हुआ है, और वो नैरेटिव दुबई गैंग डिसाइड करता है कौन सी मूवी आएगी। आपका तिलक लगाने वाला हर आदमी गुंडा, मवाली, रेपिस्ट दिखाया जाएगा, और अगर वो शिवलिंग को भी लेके भागेगा तो आप कुछ नहीं बोल सकते। वो ये कहेगा आके कि शिवलिंग के ऊपर आप दूध क्यों चढ़ाते हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं पूछेगा हिजाब क्यों नहीं हटाया जाए, वो ये नहीं बोलेगा कि ट्रिपल तलाक क्यों नहीं खत्म किया जाए, वो कभी ये नहीं बोलेगा कि हमारी बहनों के भी दो बच्चों से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, वो कभी नहीं बोलेगा। वो शादी करेगा, ऐसे करेगा, किससे करेगा वो भी आपको पता है, वो नाम रखेगा तो तैमूर रखेगा, वो आपको एक मैसेज है, आपको मैसेज, आप उनको फंड कर रहे हैं, वो जाके टर्की के राष्ट्रपति की बेगम के साथ बैठेगा और आप उसकी मूवी देखेंगे, टर्की का राष्ट्रपति कहता है कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, नहीं है भारत का हिस्सा, और भारत का हिस्सा नहीं है कहने वाला देश का दुश्मन है, और जो उसके साथ बैठने वाला है वो भी उतना ही बड़ा दुश्मन है, तो आमिर खान भी उतना ही बड़ा दुश्मन है। आप उसको कहते हैं कि एक्टर होगा, बहुत सारे एक्टर हैं, अरे हर गली में मिलते हैं एक्टर भाई साहब, उनकी एक्टिंग उनसे अच्छी है, लेकिन वो देश के साथ गद्दारी नहीं करते वो लोग। क्या आमिर खान को पता नहीं है
तुर्की का राष्ट्रपति कोई छोटा मोटा गली का नहीं आदमी है, पान नहीं बेचता है, वो इतनी बड़ी कंट्री है और उसका राष्ट्रपति जब बोल रहा है, लाल सिंह चड्ढा की मूवी बनाता है और जाके वहां बैठता है, आप लोग मूवी देखते हैं, आप फंड कर रहे हैं उनको, आप फंड कर रहे हैं, आप हिंदुस्तान के सैनिकों की मौत का सौदा कर रहे हैं इन लोगों की मूवी देख के, नहीं हो सकता है। ये नैरेटिव चेंज करना पड़ेगा आपको, इनको सड़क पे लेके आ जाइए, आप इनकी मूवी मत देखिए। जो देश के खिलाफ अगर मैं बोल रहा हूं तो मेरे भी कपड़े उतार दीजिए आप, कोई भी हो, कोई भी क्यों नहीं हो, देश से बड़ा कुछ नहीं है, समाज से बड़ा कुछ नहीं है, देश की संस्कृति से बड़ा कुछ नहीं है। अगर देश रहेगा तब रहोगे ना आप। 65 कंट्रीज को बना दिया इन्होंने, 65 कंट्रीज को बना दिया है, आपके सामने सामने बनाया है, और हर साल बनाते हैं, हर साल बनाते हैं, आपको तोड़ दिया। आप जाट हैं, आप कायस्थ हैं, आप राजपूत हैं, आप शर्मा हैं, आप वर्मा हैं, आप बिश्नोई हैं, आप अग्रवाल हैं, आप गुप्ता जी हैं, आप ये हैं, इन्होंने इनको बोला क्या, कभी बोला क्या इनको, नहीं बोला। एक साथ खड़े होते हैं और दिन में 5 बार आपके मुंह पे बोलते हैं कि हम ही हम हैं, बाकी कोई नहीं है, और जो हमें नहीं मानता उनको हम नहीं मानते, उनको खत्म करेंगे, आपके मुंह पे बोलते हैं। यार आप कहां की बात कर रहे हो, आपको लग रहा होगा कि मैं आपको भड़का रहा हूं, नहीं, मैं आपको आईना दिखा रहा हूं। यह इंटरनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा मुद्दा है। या तो इस देश की परंपराएं मानिए, इस देश के अंदर सिर्फ मुस्लिम 1 करोड़ लोग हैं बाबर की औलाद, बाकी जितने भी जो हैं, जो आज इस्लाम मान रहे, कोई भी मान, कल को हो सकता है हमारे से भी कोई मानने लग जाए, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन बाबर की औलाद सिर्फ 1 करोड़ लोग हैं, बाकी तो सारे आप में से हमारे में से बने हैं भाई, कोई चौहान है, कोई मलिक है, कोई राम सिंह है, सारे के सारे हमारे में से बने हैं ना, मजबूरी में बने ना, ड्रा के, धमका के, गला काट के, जो नहीं बने उनका साहबजादों की तरह कत्ल कर दिया गया, और जो डर गए बेचारे, हर आदमी बहादुर नहीं हो सकता ना, उनका दोष नहीं है, डराया गया, धमकाया गया। और हर बार हिंदुस्तान के अंदर जब जब किले टूटे हैं, दरवाजा अंदर से खोला गया है, जयचंद अंदर थे, मिर्जाफर अंदर थे, आज भी अगर हिंदुस्तान अगर पीछे जाएगा तो अंदर से, अंदर के लोग, बाहर की नहीं, बाहर सेना लड़ लेगी, बाहर सेना लड़ लेगी, मैं आपको बता रहा हूं, इतनी मजबूत है सेना, चाइना को दिखा दिया और पाकिस्तान को कभी भी दिखा सकते हैं, और पाकिस्तान भी टूटेगा, लेकिन अंदर से बचाने की जिम्मेदारी आपकी है, आप सोल्जर हैं, आप धर्म रक्षक हैं, आप राष्ट्र रक्षक हैं, यह जिम्मेदारी दोस्तों आपकी है। मैं इतना ही कहूंगा, समय कम है, और जो इस कॉन्क्लेव को जिन्होंने करवाया है, हर व्यक्ति को, जो पानी की बोतल लेकर चल रहा था, जो वहां बैठा है, जिसने सफाई करवाई है, जिन्होंने प्लान किया है, जिन्होंने सबको बुलाया है, ये अरेंजमेंट किया है, आप सबको मेरा साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस शहर ने जो शुरुआत की है, आर्मी के अलावा और डॉक्टर्स के अलावा, मेरी सबसे ज़्यादा दोस्ती जानकारी इसी शहर में है। मैं जब जब आता हूँ, जब जब चेहरे देखता हूँ, और इतना प्यार है मुझे इस शहर से, इतनी साफ सफाई, मैं बोलता हूँ ये गुरु मंत्र बाकी शहरों को बता दो आप लोग, ताकि पूरा देश सही हो जाएगा। दोस्तों साथ में ये भी चाहूँगा, मैं 150 करोड़ लोग हैं, मैं चाहूँगा कि आप अपनी हेल्थ, अपनी फिटनेस, अपने परिवार की हेल्थ, उस पर जरूर ध्यान दें। हर परिवार का सबसे बड़ा असेट उसके सदस्य होते हैं, उसी तरह देश का सबसे बड़ा असेट देश के नागरिक हैं। ये जो असेट है, अगर बीमार पड़ गए, आज 52 करोड़ लोगों को हाइपरटेंशन, डायबिटीज है, 5,000 करोड़ की गोलियां ले रहे हैं, 100 रुपये की गोली लेते हैं, 5,000 करोड़ की, महीने का 1.5 लाख करोड़, साल का 18 लाख करोड़, 18 लाख करोड़ बहुत होता है पैसा। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, और हमने फिटिस्तान एक फिट भारत मूवमेंट चलाया है, आप जुड़िए, हम रोजाना आपको एक हेल्थ टिप देंगे, जो आपकी दादी, आपकी नानी, मेरी नानी, मेरे फादर, या जो हमारे पूर्वज जिन्होंने सिखाया था आयुर्वेद में बेसिक चीज़ें। एक दिन में ना कोई फिट होता, ना कोई अनफिट होता, आप मजबूत रहिए, आप मजबूत रहेंगे तो परिवार मजबूत रहेगा, परिवार मजबूत रहेगा समाज मजबूत रहेगा, और समाज मजबूत रहेगा तो देश मजबूत रहेगा। आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं है, आप भारत रक्षक हैं, आप धर्म रक्षक हैं, आप संस्कृति रक्षक हैं। जय हिंद, जय भारत। चलो फिर जोर से बोलते हैं, फिर आवाज बुलंद होनी चाहिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत, फिट भारत।